अगली खबर में बात करते हैं सीहोर की, जहां मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जिले के देवी धाम सलकनपुर पहुंची, जहां उन्होंने आज सुबह मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली समृद्धि की कामना की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा उमा भारती ने कि चंद्र ग्रहण के बाद यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंची थी, यहाँ मंदिर में दर्शन किए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, 20 सीटें भी नहीं आने वाली। आज पूरे देश भाजपा मैं हो गया है, मोदी मैं हो गया है। कल चंद्र ग्रहण के बाद मुझे अचानक इच्छा हुई कि भगवती के दर्शन करना है। मुझे ये जानकारी थी कि 8 बजे तक पट बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं हवन करके चली थी, मैं वहाँ से चली ही 7:30 बजे थी। लेकिन मैंने कहा था मैं शिखर दर्शन कर लूंगी, मैंने शिखर दर्शन किया, फिर मेरे रात को वो जगह, ये जगह मेरे लिए रात से ही तय थी, लेकिन मैंने कहा मैं वहीं रहूंगी। मुझे, मैं बहुत सुंदर जगह पे रही, और अभी मैंने उपाध्याय जी को कहा है कि मेरे लिए वहाँ कुटिया बना दीजिए। बता ही देते हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ समझिए, ये 20 सीटें भी नहीं आने वाली। जो स्थिति पूरे देश में बन गई है, आज पूरा देश भाजपामय हो गया है, मोदीमय हो गया है, और जो काम हुए हैं मोदी जी की सरकार के, वो काम हुए हैं जो जन की आकांक्षा थी। इसलिए अब तो यहाँ बचा ही नहीं है कुछ, कहीं भी नहीं बचा देश में, कहीं कुछ नहीं बचा। ठीक है दीदी, ये 30 साल आपके पूरे हुए और दीदी और माँ नाम रखा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी? नहीं, माँ नहीं रखा, वो नाम नहीं रखा है, नाम तो मेरा उमा श्री भारती रहेगा, जो संन्यास दीक्षा पे हो गया था। संबोधन में क्या है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी। एक तो इतने लोग बुआ मौसी सब बोलने लगे थे, तो वो मुझे ठीक, विद्यासागर महाराज से मैंने नहीं कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना रिलेशनशिप से संबंधित संबोधन नहीं होना चाहिए। जैसे आपके शिवराज जी मुझे दीदी माँ बोलते हैं, जबकि मुझसे बड़े हैं 1 साल, लेकिन जब फोन करेंगे तो दीदी माँ कहते हैं। प्रहलाद जी भी, तो ये लोग तो दीदी माँ बोलते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो जानते नहीं है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया